प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल के 145वें वीडियो तथा कुरुक्षेत्र श्रृंखला के 5वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान तीर लगने के बाद भीष्म पितामह तीर की शैया पर जहां लेटे थे वहां मैं ले चलता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी को दबाइए। मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मित्रों, महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने अपने रथ पर शिखंडी को बैठाकर युद्ध क्षेत्र में आए। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म ने काशी राज की 3 पुत्रियों अंबिका और अंबालिका का अपहरण, शांतनु और सत्यवती के पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य से ब्याह करने के लिए किया। अंबा के पूर्व प्रेमी के बारे में जानने पर भीष्म ने उसे अपने घर पहुंचाया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे स्वीकार नहीं किया और तब अंबा ने भीष्म से शादी करने के लिए कहा, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य में वचनबद्ध भीष्म शादी नहीं कर सकते थे। तब अंबा ने प्रतिज्ञा किया कि वह एक दिन भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। पुनर्जन्म लेकर वह पांचाल के राजा द्रुपद के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। एक यक्ष ने उन्हें पुरुष बनाया। यही पुरुष शिखंडी था। शिखंडी को भीष्म पितामह अभी भी एक स्त्री अंबा मानते थे और उस पर वाण नहीं चला सकते थे, इसलिए कृष्ण के सलाह पर शिखंडी को अर्जुन के रथ पर बिठाया गया और तब अर्जुन ने शिखंडी अर्थात अंबा के पीछे बैठकर भीष्म पितामह पर वाणों की बौछार कर दी और उन्हें बाण शैया पर लिटा दिया। इस प्रकार छल से भीष्म पितामह को परास्त किया। इस चित्र में भीष्म वाण शैया पर लेटे हुए हैं। पास में भीष्म कुंड है। भीष्म कुंड के बारे में महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने पारजन्य नामक वाण जमीन पर मारकर जल निकाला और भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। उसी जल के संग्रहित होने से यह कुंड बना। इसे वाण गंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति अर्जुन के वाण के द्वारा हुई थी। मित्रों, भीष्म कुंड के आसपास अनेक मंदिर हैं जहां आप देवी देवताओं का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस चित्र में अर्जुन भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए वाण से पृथ्वी को बींधकर पानी निकालते हुए। मित्रों, आज की यात्रा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर ले चलूँगा जहां पर माता पार्वती के शरीर का आधा पैर गिरा था और उस प्रतीकात्मक पैर को आप देख भी सकते हैं। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।